अभी बज रहे हैं अराउंड 7 और हमारी जो फ्लाइट है यहाँ से न्यू दिल्ली से हो ची मिन्ह सिटी के लिए वो है अराउंड 11:50 की। और इस ट्रिप को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और यहाँ से दोस्तों टैक्सी कराने का सबसे बेस्ट तरीका आप यहाँ पे ग्रैब इंस्टॉल कर लो, एक ऐप है। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड। हे गाइस दिस इज हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर और आज मैं निकल रहा हूँ एक नए सफर पे, एक नई जगह और एक नए तरह का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, जी हाँ दोस्तों मैं निकल रहा हूँ वियतनाम के लिए। फिलहाल तो मैं कर रहा था अपने फ्रेंड करण का वेट यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से यहाँ की वीजा डिटेल्स शेयर की जाए, आप लोगों को बताया जाए कि कैसे वीजा प्रोसेस होता है और क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं। तो वियतनाम का वीज़ा के लिए दो तरह से आप वीज़ा परचेस कर सकते हो। एक तो है आप वहाँ पे ऑन अराइवल जाके वीज़ा परचेस कर सकते हो, जिसमें हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा सा समय लग जाए, बिकॉज हो सकता है वहाँ पे क्यू लगी हो या फिर फॉर्मेलिटीज़ करने में थोड़ा टाइम लग जाए। तो दूसरा तरीका है वो दोस्तों, वो आप उनकी ऑफिशियल साइट से वीज़ा परचेस कर सकते हो या फिर और भी कई इस तरह की साइट्स हैं जो वीज़ा प्रोवाइड करती हैं। हम लोगों ने भी जो है जो वीज़ा लिया है वो दूसरी साइट से लिया है, बिकॉज वो जो प्राइस था हमें उनकी ऑफिशियल साइट से थोड़ा कम पड़ा। तो उसमें क्या है दोस्तों, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिस साइट से हमने परचेस किया है, और उसमें जैसे ही आप डिटेल्स भर दोगे सारे डेज वगैरह जितनी भी डिटेल्स होती है भरने के बाद, आपको वो लोग एक ईमेल करते हैं जिसमें वो लोग इस तरह का फॉर्म भेजते हैं। ये फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों और इसमें क्या है कि आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है, पासपोर्ट डिटेल्स और आपकी पर्सनल डिटेल्स, साथ ही साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लगानी होती है। तो ये दो भरने का फॉर्म होता है दोस्तों, जिसमें आप पूरा फिल करके अपने घर से लेके जाइए, और साथ ही साथ में वो आपको एक और चीज़ ईमेल पे भेजेंगे जो होता है वीज़ा, जिसमें आपकी वो पूरी डिटेल्स भेजेंगे और उसमें आपका नाम लिखा होगा और आपका पासपोर्ट नंबर भी लिखा होगा। इसके बाद जो जब हम वहाँ पहुँचेंगे इन डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो एक मिनिमल सा चार्ज वहाँ पे स्टैम्प का लगता है जो आई थिंक $15 या $10 के आसपास होता है। बस इतना ही करना है दोस्तों और इसके बाद आपकी हो जाती है वियतनाम में एंट्री। हमारी जो फ्लाइट है वो 11:50 की, हम ऑलरेडी बोटिंग के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस ट्रिप को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और लेट्स सी क्या मज़ा आता है। और अभी हम लोग फिलहाल जल्दी से बोट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको आगे के सीन्स। वीज़ा प्रोसेस में अराउंड 25 मिनट्स लगे और उसमें फ़ीस जो थी $50 लिए उन्होंने दो वीज़ा के, यानी $25 ईच। और अगर आप लोगों ने ऑनलाइन पहले से बुक किया है तो प्रोसेस इजी हो जाता है, तुरंत आपको सिर्फ एप्लीकेशन जमा करनी होती है और आपको सीधे वीज़ा प्रोसेस हो जाता है 20 से 25 मिनट के अंदर। सो अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं एयरपोर्ट से और फटाफट ढूंढते हैं कोई टैक्सी, उसके बाद सीधे जाते हैं अपने अपने होटल से। यहाँ से दोस्तों टैक्सी कराने का सबसे बेस्ट तरीका आप यहाँ पे ग्रैब इंस्टॉल कर लो, एक ऐप है जिसके थ्रू आप कोई भी टैक्सी बुक कर सकते हो। जब तक आप एयरपोर्ट में होते हो तो आपको इंटरनेट तो मिल जाता है, तो उसके थ्रू आप कैब बुक कर लो, उसके बाद ड्राइवर से कांटेक्ट कर लो, उसके बाद फिर आप बाहर जाके नई सिम वगैरह भी ले सकते हो। और एक और चीज़ करेंसी एक्सचेंज के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है करेंसी एक्सचेंज अंदर थोड़ा महंगा पड़ता है, बाहर कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, तो आई मीन कि बाहर रेट अच्छा मिल जाता है आपको डॉलर्स का, तो आप बेटर कि आप करेंसी भी बाहर ही एक्सचेंज कराएं। तो अभी हम लोग यहाँ से फिलहाल कर रहे हैं अपने टैक्सी ड्राइवर का वेट और उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे अपने होटल। सो गाइस यहाँ पे ग्रैब से टैक्सी करना बहुत आसान है, आपको बस एयरपोर्ट में आना है और ऐप इंस्टॉल करनी है, जस्ट अपना लोकेशन डालना है और होटल का लोकेशन डालना है और टैक्सी तुरंत आ जाती है। अभी टैक्सी आ गई है हमारी और काफ़ी चीप है, बिकॉज अगर आप लोग अंदर से टैक्सी लेते हो तो काफ़ी महंगी पड़ेगी आप लोगों को। और अभी हम लोग टैक्सी में बैठ गए हैं और अब हम निकल रहे हैं होटल के लिए। सो गाइस जो फ्लाइट थी वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल थी, लेग स्पेस काफ़ी कम था, यू नो सीटें बहुत अनकम्फर्टेबल थी, प्रॉपर नींद नहीं आ पाई सही में, यार मेरी तो हालत ख़राब है। अभी मैं फ़िलहाल होटल जाके तुरंत सोने वाला हूँ ब्रेकफास्ट करके, वैसे ही इन्होंने एक घंटा लेट फ्लाइट करी है और टाइम लंच का ही हो गया है अराउंड, बट फिर भी एक बार ब्रंच करके एक बार पूरा रेस्ट मारूंगा, उसके बाद शाम को उठूंगा तभी कुछ हो पाएगा। और एक और चीज़ बता दी, यहाँ पे जो ड्राइविंग है वो लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्टीयरिंग व्हील है, और प्लस अगर आप लोग यहाँ पे ड्राइव करने की प्लान करते हो तो आपको इसकी आदत होनी चाहिए।
बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग में. सो गाइस अभी हो रहे हैं अराउंड 9:30 के आसपास और हम लोग अभी टैक्सी में बैठे हुए हैं. सो यार ग्रैब कराने का ना थोड़ा सा एक है पॉइंट कि अगर जब भी आप करा रहे हो तो आप टैक्सी ड्राइवर को पूछ लो कि इंग्लिश आती है नहीं आती है. अगर इंग्लिश नहीं आती है तो स्टिल आप लोग गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू उनको बता सकते हैं कि क्या अगर कहीं आपको स्पेसिफिक कोई चीज़ बतानी है. अदरवाइज़ तो आप लोकेशन के थ्रू सीधे सीधे अपने होटल पहुँच ही जाएंगे. जैसा कि हमारे केस में हम लोगों को बीच में करेंसी एक्सचेंज करानी थी तो हम लोगों ने क्या किया, उनको गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू बताया और हम लोगों ने कुछ करेंसी बीच में एक बैंक पड़ा था वहाँ पर से एक्सचेंज कर ली. सो तो आप भी ऐसा कर सकते हो. अदरवाइज बेस्ट ये रहेगा कि जो जब भी आप कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी कंट्री से आ रहे हो, अगर आप न्यू दिल्ली से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, तो आप थोड़ी सी करेंसी जो है यहाँ की लेके आए अपने कंट्री से ही, बिकॉज जो भी छोटा मोटा टैक्सी का चार्ज होता है वो आप ताकि अच्छे से पे कर पाए बिना हेडेक के. बड़ा जाम एयर करने आता भाई साहब, इंडिया से भी खतरनाक है. 10 फुट जैसा दिखा रहा है अभी तो यार, 10 फुट बोल रहा है, 10 फुट दूर है. फुट है यहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी ये. नहीं 2 किलोमीटर होगा यार, 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर नहीं है, 10 मिनट होगा मेरे साथ. तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने होटल सनलैंड होटल और लेट्स सी कैसे इनके रूम्स हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं. फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर होटल और ये है हमारा रूम. करण ने कर दिया है उद्घाटन. सो लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम आवर विंडो. इट्स अमेजिंग मैन. अभी पता नहीं आगे रिवर है नाला है पता नहीं, लेकिन एक रिवर सी तो है. सो अभी हम हैं सनलैंड होटल में. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं होटल का रूम है यहाँ पे. सो बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे चेक इन टाइम जो होता है 2 PM का होता है, तो आप लोग अकॉर्डिंगली बुक करें और अकॉर्डिंगली आएँ. तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई, तो हमें अभी क्या करना पड़ा कि रूम अपग्रेड करना पड़ा और एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े अभी चेक इन करने के लिए. तो अभी तो थोड़े से थके हुए हैं, तुरंत हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेते हैं, खाना पीना खा के थोड़ा पेट पूजा करते हैं, तुरंत फिर प्लान करते हैं आज शाम का. बिकॉज आज शाम का प्लान ये है कि हमें थोड़ी शॉपिंग करनी है और प्लस कल का भी देखना है कि कल हम, बिकॉज हम कल यहाँ से चेकआउट करेंगे और कुछ सोच रहे हैं कि कुछ अपार्टमेंट ले लें तो ताकि खाने वाने का भी कुछ बना ले. लेट्स सी क्या होता है. तो मैं आपको मिलता हूँ कुछ छोटे से ब्रेक के बाद. सो गाइस अभी मार्केट में मैं कुछ खाने के लिए लेने गया था, तो थोड़ा सा फाइट यहाँ पे है लैंग्वेज का. सारे जो दुकानदार हैं शॉपकीपर्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ा सा इशारे में समझाना पड़ता है. और कुछ मुझे खास तो मिला नहीं, तो मैं क्या लेके आया हूँ देखो, फ्रूट सैलेड. और करण भाई ने दबाना शुरू कर दिया है कांटे के साथ. सो गाइस यहाँ पे अभी मुझे बेस्ट यही लगा बिकॉज धूप भी बहुत तेज है और वाटरमेलन पाया और ये सारा मिला के जो बॉडी हाइड्रेट होगी तो काफ़ी मज़ा आएगा. तो अभी हम करते हैं ये सैलेड का भंजन और आपसे मिलते हैं जल्दी, क्या कहते हो. इसके बाद हम आई थिंक मार्केट जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे क्या है. तो गाइस आप यहाँ पे कहीं पे भी कोई लोकल शॉप में जाओगे तो आपको फैमिली मार्ट मिल जाएंगे. यहाँ पे फैमिली मार्ट में सारा सामान अवेलेबल होता है. अगर आपको यहाँ का खाना नहीं खाना है, अगर आप वेजिटेरियन हो, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे हर एक चीज़ मिलती है. आपको बताता हूँ मैं आज का प्लान है क्या हमारा, शाम तक क्या क्या कर सकते हैं. सो करण कैसी रही फ्लाइट? फ्लाइट वाज ओके यार, थोड़ा जोस कम लग रहा है, थोड़ा सा अभी सोएंगे ना, अभी हम आराम से, अभी सो के उठेंगे तो जोस बाहर निकल जाएगा ना, जोस बाहर आएगा. चलो ठीक है फिर सीधे मिलते हैं. हाउ इज जोश? हाय सर. हाउ इज जोश? हाय सर.